सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं कापसियाला बॉर्डर पे हूँ, दिल्ली और गुड़गांव के, सॉरी हरियाणा के। और यहाँ से आज मैं घर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे सबकी कोरोना टेस्ट हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी जो भी बस से ट्रेवल कर रहा है। और बताना चाहूँगा, यहाँ पे सब डिटेल्स ले रहे हैं, नाम, नंबर, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। ये लेने के बाद यहाँ से ये हमारा टेस्ट करते हैं और सैंपल ले लेते हैं। अभी आप देखिएगा, देखो यहाँ पे ये सैंपल रखे हैं सबके, और अभी ये मेरा भी सैंपल लेंगे। और सैंपल लेने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और दो सौ उनचास देखो जाऊँ, बस ये मोबाइल पे आ जाएगी ना अपने आप। चलो अच्छा, यहाँ पे कोरोना का टेस्ट हो गया। मैं हूँ अभी कापसियाला बॉर्डर पार करके दिल्ली। अब यहाँ से बस लेता हूँ आनंद विहार के लिए 543, और यहाँ से निकल जाऊँगा बस में। 1 घंटा लगेगा आई थिंक, 45 मिनट। यार 543 तो कहीं दिख नहीं रही है, अभी लगी भी नहीं है शायद, और ही और नंबर लगे हुए हैं। और बस पे तो नंबर ऑन भी नहीं कर रखा, कौन सी बस कहाँ जाएगी। 729 ऑन है, ऊपर से दो दो बैग लगे घूम रहा है। ये कौन सी है, बदरपुर 717। फाइनली बस तो मिल गई, अब निकलते हैं, देखते हैं बस भरने के बाद। सो गाइस, मैं अभी आ गया हूँ आनंद विहार, और आनंद विहार में अभी मैं बस अड्डे जा रहा हूँ। और बस अड्डे जाने के लिए यहाँ से ब्रिज क्रॉस करना होगा, यह जो आप ब्रिज देख रहे हो, और सामने ही यहाँ से प्राइवेट बस अड्डा है। और यहाँ से सारी जगह के लिए बस मिलती है, जहाँ को भी आपको जाना हो, जो देहरादून, ऑल ओवर इंडिया के लिए यहाँ से बस जाती है। जहाँ भी आप जाना चाहते हो यहाँ से जा सकते हो। ये प्राइवेट बस अड्डा है, और जो सरकारी है बस अड्डा वो पीछे है, वहाँ से टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने यहीं से बस ले ली, बिकॉज़ यहाँ से जल्दी बस मिल जाती है। भाई बस स्टैंड आ गया हूँ प्राइवेट, अब यहाँ से रोडवेज लेनी है, रोडवेज नहीं प्राइवेट। हैदराबाद दिल्ली, पहले मैं आता हूँ बाथरूम करके, पीछे पैसे देने पड़े थे बाथरूम के, मैंने वहाँ पर गए नहीं। अब इधर फोकट में करूँगा फ्री में सस्ते। कौन सी बस है, मुरादाबाद की, धामपुर, चांदपुर, हजर, कालहगढ़, दिल्ली, धामपुर वाली में बैठ गई। यार धामपुर भी जा रही है, मुरादाबाद, कौन सी बैठूं। चलो इधर से जाता हूँ, देखता हूँ मुरादाबाद की कौन सी है। सो फाइनली बस भी मिल गई है मुझे मुरादाबाद के लिए यहाँ से, अभी कुछ ही देर में निकल जाएगी यहाँ से, 5 से 10 मिनट के अंदर। राज भैया, लाओ राज भैया जी, मतलब आप लाओ जी, राज भैया, हमारे बच्चे के लिए जाते हैं, राज भैया, एक मुरादाबाद अभी ले लियो भैया, भाई जी तो अभी ये बस रुकी है एक ढाबे पे, ढाबे पे ये मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 मिनट के लिए बस रुकती है।
वीडियो बनाता हूँ। कहाँ का लाया तू? अच्छा लगता है ये? हाँ। फिर मिलता क्या इसमें? कुछ नहीं। एक और बस मिल गई। तो अभी टाइम हो रखा है 5:08 और मैं मुरादाबाद पहुंच गया हूं और बस भी मिल गई है। ये हरिद्वार की मिली है, ये वाली जो बस मिली है ये जाएगी डायरेक्ट हरिद्वार यहां से, बट सिवारा धाम पर रुक के जाएगी तो वहां पर उतार देगी। यहां से मुझे लगेंगे मुश्किल से मुश्किल 45 मिनट, और 45 मिनट में मैं यहां से घर पहुँच जाऊँगा। देखो ये बस पूरी खाली है, अभी इसे भरने में करीबन आधा घंटा लग जाएगा। इतने में बैठता हूँ यहीं पे, मेरी वैसे सीट आ गई है बट मैं थोड़ा वीडियो बनाने के लिए पीछे आ गया। कसम से पसीने से बुरा हाल हो गया। 5.5 घंटे बैठ कर आया हूँ, ऊपर से 15-16 किलो का बैग मेरे गोदी में था। यह है मुरादाबाद का बस अड्डा। वैसे मुरादाबाद में 2 बस अड्डे हैं, एक नया है एक पुराना है। आई थिंक ये वाला नया बस अड्डा है और जो हमारी बस जाएगी वो ये वाली है हरिद्वार, बट मेरे को बीच में उतरना है अपने घर पे सिवारा। अभी सवारी आनी स्टार्ट हो गई है तो 15 से 20 मिनट में भर जाएगा बस मेरी सीट पर कोई ना रखे, क्या फ़ायदा मुझे उठाना पड़े, बट मेरे उठाने से तो उठेंगे भी नहीं सारे। मैं अपनी सीट पे जाके बैठ जाता हूँ यार, कभी कोई मेरी सीट ले ले। आराम से। इसे पकड़ू कैसे? मेरा बैग, अरे मेरा मोबाइल। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ सिवारा अपने घर और अभी मैं हूँ रामलीला ग्राउंड में, ये यहीं पे ही है मेरे घर के पास ही। और थोड़ा सफ़र ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो गया, वैसे मुझे 6 घंटे में पहुंच जाना चाहिए था बट मैं 8 घंटे से ज़्यादा हो गए और अभी जस्ट मैं उतरा हूँ। और मेरे पास 2 बैग हैं, एक आगे टंग रहा एक पीछे टंग रहा, चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और बस वैसे भी अभी मेरे घर में किसी को भी नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ, सबको सरप्राइज़ मिलेगा कसम से, मतलब शौक हो जाएंगे। और मेरी आदत है अपने मतलब सभी को शौक देने की, सरप्राइज़ कर देने की। और जहाँ पे रामलीला ग्राउंड में हूँ यहाँ पे वैसे नुमाइश लगने वाली है, सामान पड़ा है तो इस मंथ की नुमाइश इस मंथ लगेगी तो नुमाइश देख के जा सकता हूँ मैं फिर से।